सभी मेरे बड़े बुजुर्ग और भाई, सम्मानित मंच, बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रहे हैं सोनू भाई, भोला भाई और जितने भी लोग इस बेहतरीन प्रोग्राम की व्यवस्था में थे, आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि हम चार घंटे लेट आए। चुनाव का दौर चल रहा है और कुछ कार्यक्रम ज़्यादा टाइम लेते हैं तो देरी हो गई, इसके लिए आपसे क्षमा। और ये जो आपने यहाँ पर इतना बेहतरीन कार्यक्रम किया है, इसके लिए एक बार और मेरी तरफ से आप लोग ताली बजा। आपके लिए दो पंक्ति पढ़ना चाहती हूँ कि उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर जब आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। और आज आपकी ये जो जिंदा दिली यहाँ देखने को मिल रही है उसको मैं सलाम करती हूँ। और पूरे सैनी समाज, यहाँ सर्व समाज एकत्रित है, लेकिन ख़ास तौर पर कहना चाहूँगी सैनी समाज के लिए कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे अपनाया है और प्यार दिया है, और लगातार जब भी हम इस क्षेत्र में आते हैं जिस तरीके से आप लोग हमारे लिए इकट्ठा होते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी हिम्मत मिलती है और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये चुनाव है, ये बहुत सी चीज़ों का चुनाव है, लेकिन सबसे पहले ये हमारे स्वाभिमान का चुनाव है। जिन लोगों ने आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है, उनको जवाब देने का अगर कोई तरीका हमारे पास है तो वो वोट का है। वोट की चोट से हम उन्हें जवाब दे सकते हैं। चुनाव बहुत बड़ा है और इसमें सभी की ज़रूरत है, सर्व समाज का हमें समर्थन मिल रहा है। और जब 36 बिरादरी एक साथ लग जाती है तो कोई राह मुश्किल नहीं होती, वो आसान होती चली जाती है। आप लोगों ने बहुत, आपके समाज को मैं सलाम करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत जागरूकता से ये जो निर्णय लिया है हमारे साथ जुड़ने का, इससे सबक लेने की सभी को ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ आपकी कदर नहीं है, आप किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है कि जहाँ कदर ना हो वहाँ से चले जाना बेहतर है। और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी का तो नारा है PDA का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पीड़ित, तगड़ा, आदि आबादी, सारा शोषित वर्ग इसमें आ जाता है। तो हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी, आप सबके लिए अपनी बाहें खोले खड़े हैं। और ये जो आज की मीटिंग है, इससे साबित होता है कि आप भी उन्हें हेलो। और ये जो आज की मीटिंग है, इससे साबित है कि आप लोग भी अपना पूरा प्यार और समर्थन हमें दे रहे हैं। ये जो सरकार है, 10 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है और हमने यहाँ पर बैठे ज्यादातर सभी लोगों ने 90% वोट इस सरकार को, इस सरकार के जनप्रतिनिधियों को देने का काम किया है। तो आज इनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने है, इन्होंने क्या आपको और हमें दिया? इन्होंने ना किसानों को कुछ दिया, ना मजदूरों को कुछ दिया, ना छोटे व्यापारी को कुछ दिया। किया है तो सिर्फ लेने का काम किया है। आपके बिजली के जो बिल आते हैं, मीटर आपकी ट्यूबवेल तक पहुंच गए हैं, खाद का कट्टा हल्का करके महंगा कर दिया। और जो हमारे भाई यहाँ खड़े हैं, पहले एक सम्मानित फौज की नौकरी में जाते थे, अब उन्हें अग्निवीर बनाकर 4 साल के लिए छोड़ दिया है। और जैसा अभी वतन सिंह जी बता रहे थे और हमारे संदीप भाई भी, कि पेपर लीक करा देते हैं, कोई भर्ती निकलती है तो बहुत आसान तरीका है। सारी सरकारी संस्थाएं इन्होंने बेच दी ताकि आपको हमें लाभ ना हो। नौकरियां सारी प्राइवेट सेक्टर में चली गई ताकि आपको और हमें पेंशन ना मिले। तो देश जिस कागार पर जा रहा है आपके सामने है,
सारे हालात आपके सामने हैं, और जब व्यवस्था इतनी बिगड़ जाए तो उसमें सुधार लाने के लिए बदलाव करना जरूरी है, और ये बदलाव का ही चुनाव है। इंडिया गठबंधन है, बहुत मजबूत गठबंधन है, आपके आपके और हमारे लिए बना है। अगर आज हम इसके साथ खड़े नहीं होंगे तो कल को कोई हमारी आवाज उठाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जिस तरह की तानाशाही पर उतर आए हैं। अभी हम एक गांव में थे जहां पर प्रशासन ने आके प्रोग्राम भी रोकने का प्रयास किया। तो हमारी लड़ाई सत्ता से है, जो हर हथकंडे आजमाएगी हमें रोकने के लिए, हमारी सभाओं को रोकने के लिए, हमारी बढ़ोतरी को रोकने के लिए। तो हमें मजबूती से काम लेने की जरूरत है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और ये लोग जो बहकाते हैं 400 पार का नारा देकर, क्योंकि मीडिया वाले इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं का पक्ष रखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ 2-3 राज्यों में है, बाकी सब जगह से इनका सुपड़ा साफ है। तो हमें बहुत ध्यान से और बहुत खामोशी के साथ, क्योंकि वोट का बटन दबाते हुए कोई शोर हंगामा तो होता नहीं है, तो आप लोग बहुत खामोशी के साथ इनके पैरों तले जमीन खिसका दीजिए, उसी से सारा काम हो जाएगा। आपने मुझे अपनी बेटी माना है, और मुझे लगातार जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे महसूस होता है और हिम्मत मिलती है आप लोगों के बीच खड़े होकर। तो मैं आपसे वादा करना चाहती हूँ कि जिस तरह आप आज मेरी हिम्मत बन रहे हैं, आने वाले वक्त में जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, जब भी आपके मान सम्मान की लड़ाई होगी, मैं आपको सबसे आगे खड़ी मिलूंगी, मजबूती से आपकी लड़ाई होगी। और मेरे पिताजी भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, और कुछ लोग उनसे उनके कार्यशैली से भी वाकिफ होंगे। वो बिना किसी धर्म जाति की राजनीति को आगे बढ़ाते थे, किसी से कभी उन्होंने नहीं पूछा कि वोट दिया या नहीं दिया, पहले काम किया और बाद में बाकी बातें की। उनकी इस विचारधारा को ही मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके आशीर्वाद से आगे ले जाना चाहती हूँ। तो इसमें मुझे आपके सबके साथ की ज़रूरत है। इस बार जो हिम्मत यहाँ से नकुड़ क्षेत्र से मुझे मिल रही है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस जोश को बरकरार रखकर आने वाली 19 तारीख को वोट में तब्दील करने का काम करेंगे, और हमारी ये जो स्वाभिमान की लड़ाई है ये भी उसी से मुकम्मल होगी। और अपनी बात खत्म करते हुए बस ये कहना चाहती हूँ कि ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, जहाँ हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। तैयार है।